सो यार हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि लोग मुझे फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम और स्नैपचैट वगैरह पर, तो उन्हें पता होगा कुछ दिन पहले मैंने कुछ ऑर्डर किया था, तो वो आ चुका है ये बॉक्स। और इस बॉक्स में है हमारा GoPro Hero 7, तो इसको भी करते हैं अनबॉक्स और उसके दिखाते हैं आपको क्या क्या मिला है हमें GoPro के साथ, एसेसरीज और क्या क्या माउंट्स वगैरह सब कुछ है। सो लेट्स अनबॉक्स इट। ओके, सो अभी कर रहे हैं हम अनबॉक्स, और जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है वो भी हम कर रहे हैं GoPro Hero 7 ब्लैक पे, जो कि है आदित्य का एक एक स्पेक बाइकर। तो ये रहा हमारा बॉक्स कैमरे का, अच्छी खासी पैकिंग में आया है। एंड फाइनली आफ्टर लॉन्ग वेट ऑफ टाइम हीरो GoPro 7 ब्लैक। जैसे कि बहुत लोगों को पता होगा कि अभी GoPro Hero 7 ब्लैक जो है वो अवेलेबल नहीं है ऑनलाइन, बट कुछ हैं स्टोर्स पे जहाँ अवेलेबल है। तो एक एक्चुअली मेरा फ्रेंड है फ्रॉम मुंबई, तो वो डील करता है इन GoPros। तो आपको कोई भी GoPro 7, 8, 9 और इंस्टा 360 कुछ भी चाहिए तो आपको मिल जाएगा। एंड दिस GoPro विल कॉस्ट यू अराउंड लाइक 22K। एंड लिंक मैं उसके जो उसका इंस्टाग्राम पेज है उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके उससे बात करके मेरा रेफरेंस देके कैमरा ले सकते हो। तो अभी कैमरे को थोड़ा और अनबॉक्स करते हैं बॉक्स को, और देखते हैं क्या क्या है कैमरे के बॉक्स के अंदर। सेम यही बंडल पैक मेरा भी सेम यही आया था। सील के। सो फाइनली हियर इज अवर कैमरा। इसके साथ आपको ये माउंट मिल जाता है इस यहाँ पे लगा हुआ, एंड ये रहा हमारा कैमरा। तो अभी इसको एक बार थोड़ा बॉक्स से बाहर निकालते हैं, ये स्टिकर होता है इसको हटाना पड़ता है। अरे कैमरा निकाल ले, कैमरा क्योंकि उसका स्टिकर जो स्क्रीन पर होता है उसको हटाना पड़ता है। सो ये रही हमारी स्क्रीन, एंड ये रहा इसका रिकॉर्ड बटन, दिस इज़ द पावर मोड एंड फॉर मोड बटन। एंड यहाँ पे होती है हमारी बैटरी, बैटरी हमें डालनी पड़ेगी वो बॉक्स में होगी, और एसडी कार्ड हम लाना भूल गए तो वो वाला पार्ट किसी और वीडियो में कवर करेंगे। और अभी देख लेते हैं हमें बॉक्स के अंदर क्या क्या मिला है। सो बॉक्स में सबसे पहले दो चीज़ें जो हैं वो है हमारे GoPro के स्टिकर, जिसमें से एक स्टिकर जाएगा स्पेक बाइकर को, क्योंकि उसे चाहिए स्टिकर तो देना तो पड़ेगा, मना नहीं कर सकते। और एक जाएगा मेरे पास, क्योंकि GoPro के स्टिकर जो है वो बाहर नहीं मिलते, बहुत लोगों को नहीं पता होगी ये चीज़। उसके बाद हमें मिली है एक ये मैनुअल कार्ड, एक हमें मिला है ये GoPro का पूरा मैनुअल कि कैसे इंस्टॉल करना है, क्या लगाना है, क्या नहीं लगाना है। उसके बाद एक इंस्ट्रक्शन गाइड है, इतनी बड़ी किताब मैं नहीं पढ़ सकता, मैंने अपनी खुद की किताबें कभी नहीं पढ़ी। और उसके बाद उसके अंदर है हमारा चार्जिंग केबल, ये दिस इज़ टाइप सी HDMI टाइप सी केबल। ये रहा हमारा हेलमेट माउंट, जैसे आप देख सकते हो थोड़ा कर्वी है तो ये हेलमेट पे बहुत ईजी स्टिक हो जाता है विद द 3M, एंड 3M की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है इसकी। और ये रही हमारी बैटरी, तो उस बैटरी को अब इंस्टॉल करते हैं इसमें। ओके, सो टॉकिंग अबाउट द कैमरा स्पेसिफिकेशंस, तो 12 मेगापिक्सल का कैमरा है, इसमें आपको 4K 60 FPS और 180 pixels टू 240 FPS वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शन मिल जाता है, और वाटर अंडर वाटर 10 मीटर तक जा सकते हैं आप इसे लेके वाटर प्रूफिंग में। साउंड क्वालिटी इज़ गुड, माइक अडैप्टर के साथ भी और बिना माइक अडैप्टर के भी। तो माइक अडैप्टर मैंने भी नहीं लिया है, जो कि अवेलेबल है अमेज़ॉन पे लाइक 3,990 रुपीज़ का, तो आप ले सकते हो पूरा उसका भी सेटअप का पूरा वीडियो मैं बना दूंगा अलग से जब लूँगा तब। एंड टच स्क्रीन मिल जाता है इसमें आपको, 8x स्लोमो, GPS, HDR, लाइव स्ट्रीमिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है विच इज़ गुड फॉर गेमर्स एंड स्ट्रीमर्स, एंड हाइपर स्मूथ भी मिल जाता है। एंड इसका एक ऑस्मो का एक अलग से वीडियो बनाएंगे ज़रूर, क्योंकि ऑस्मो बहुत लोग मतलब पहले मैं यूज़ करता था जैसा आपको पता होगा, तो उसका भी वीडियो बना देंगे।
तो ऑस्मो और जो हमारा ये गोप्रो हीरो 7 ब्लैक है, इन दोनों का वीडियो मतलब काफ़ी सही रहेगा कंपेरिजन फॉर दी बिगनर्स जो कि एक्चुअली स्टार्ट करना चाहते हैं यूट्यूब। और जब मैंने स्टार्ट किया तो सबसे पहला कैमरा मेरा जो था वो था इकन H9R, और उसके बाद मैंने यूज़ किया था गेटअप गेट 2 एंड आफ्टर दैट ऑस्मो जो कि है अर्जित भैया का। वो एक्चुअली मैंने वापस कर दिया कि मुझे गोप्रो लेना था एंड नाउ इट्स टाइम फॉर गोप्रो। तो अभी साउंड जो अभी वीडियो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो अभी देखते हैं कैमरे को ओपन करके क्या क्या है। SD कार्ड तो नहीं है बट क्या क्या है वो आपको बता देते हैं। आदित्य बता देगा, उसको ज़्यादा पता है क्योंकि उसका कैमरा है। एंड वीडियो रिकॉर्ड जो हो रही है वो भी गोप्रो हीरो 7 ब्लैक से हो रही है। तो चलिए कैमरे की तरफ चलते हैं। ओके सो हाँ, तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं कैमरे को। एंड कैमरा चार्ज नहीं था तो चार्जिंग पर लगाया हुआ है। एंड साथ ही साथ ये खुल गया हमारा गोप्रो। एंड ऐसे कुछ ओपन होता है पहली बार में जब अपना कैमरा यूज़ करते हो आप तब फॉर द फर्स्ट टाइम। तो अभी आपको पूरा सेटअप करना पड़ेगा लैंग्वेज, तो आप जो भी लैंग्वेज इसमें प्रेफर करना चाहो वो कर सकते हो। हिंदी नहीं आती आई गेस, इंग्लिश ही आती है। उसके बाद ये सारा लीगल जो भी आता है वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। GPS आप ऑन रखना चाहते हो, ऑफ रखना चाहते हो, आपकी वो है। और इसमें एक ऑप्शन और होता है, गोप्रो की ऐप आती है ऑफिशियल, वो अपने फ़ोन पर इंस्टॉल करके कैमरा कनेक्ट कर सकते हो अपने फ़ोन से। तो अब गोप्रो का ऐप एप्लीकेशन तुम इंस्टॉल करो फिर दिखाते हैं। ओके तो अभी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। ओके सो ये रही ऐप है हमारी गोप्रो क्विक करके। इसका आपको बारकोड मतलब बॉक्स पर तो मिल ही जाएगा, जिन्हें नहीं पता उनके लिए आप प्ले स्टोर पर जाके गोप्रो क्विक सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये ऐप। तो बेसिकली ऐप क्या है कि इसमें अपना गोप्रो कनेक्ट कर सकते हैं, वीडियोस मतलब कैमरे से फ़ोन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं एंड एडिट भी कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा एडिटर है ये, इसमें काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो आप। सो अभी हो गई इसको इंस्टॉल, अभी खोल के देखते हैं। ओके सो ऐप और कनेक्टिविटी के बारे में आदित्य बताएगा यहाँ से। सेटिंग रख दीजिए ठीक है, ठीक है। 1080p 60fps और हाइपर स्मूथ को ऑन कर लेंगे हम। हाइपर स्मूथ स्टेबलाइजेशन ऑटो पे रख दिया है ओके ठीक है। तो ये दिखा देता है हाइपर स्मूथ स्टेबलाइजेशन ऑन है। मैं FPS बढ़ा दूंगा, स्टैंडर्ड स्टेबलाइजेशन आ जाएगा। ओके 60 पे कर दूंगा वो है ठीक है। ठीक तो है, ये काफ़ी सही रहता है YouTube पे भी अपलोड करने के लिए और इंस्टा पे भी, क्योंकि आप 2K में बनाओ 4K में बनाओ YouTube पे तो हो जाएगी अपलोड, लेकिन इंस्टा पे अगर कुछ डालोगे तो वो 1080p से ऊपर नहीं करता अपलोड। ओके ठीक है, फील्ड ऑफ व्यू उसमें लीनियर आ जाता है, जो आप नॉर्मल जैसे अभी जो रिकॉर्डिंग हो रही है इससे वो लीनियर पे हो रही है। फिर वाइड आता है और सबसे अच्छा है इसका सुपर व्यू, जो कि मेजरली आपका मोटो व्लॉग्स में यूज़ होता है ठीक है। एंड बाकी प्रोट्यून आप ऑन कर सकते हो, प्रोट्यून ऑन करने से आप ISO एंड वाइट बैलेंस एंड EV ये सब चीज़ को आप वो कर सकते हो। शार्पनेस हाई कर रखी है हमने, ISO सब वो खुद मेंटेन करना है। कलर्स में आप नॉर्मल हैं, फ्लैट कलर्स है, GoPro कलर्स हैं, GoPro कलर्स थोड़े से एनहांस होते हैं वो भी ठीक है। रॉ ऑडियो रख सकते हो, फॉर्मेट भी रख सकते हो जैसा है, तो रॉ ऑडियो करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी बाकी सब सही है, मतलब लो लाइट ऑटो कर दिया हमने, ये नाइट के लिए है, बाकी सब सही दिख रहा है इसमें ठीक है। मैक जाते हैं। अच्छा, इसमें इस बटन से स्विच होता है। ओके मोड बटन से, हाँ ठीक है। दूसरा यहाँ से आप सेटिंग चेंज कर सकते हो, इससे आप शॉर्ट क्लिप्स और वो, और इससे आप वीडियो लूपिंग और उसमें मोड चेंज कर सकते हो। ऊपर स्वाइप करोगे, प्रेफरेंसेस में जाओगे तो कनेक्शंस, यहाँ से आप वायरलेस कनेक्शंस ऑन कर सकते हो। कनेक्ट सो पहले फ़ोन में लोकेशन सेटिंग्स जो है वो ऑन होना इम्पॉर्टेंट है इसको ऐड करने के लिए। एंड सेम फॉर द ब्लूटूथ। सो ये आ गया कैमरा एंड कर दें इसे कनेक्ट। ओके सो कनेक्शन इज सक्सेसफुल जैसे आप देख सकते हैं। एंड अब फोन पे शायद एग्जैक्टली वैसे भी हो जाएगा जैसे कैमरे में आ रहा है लाइव लाइव।
सो यार इट्स शोइंग कनेक्टेड माय गोप्रो गोप्रो लिख दे वी आर 46 लिख देते हैं आ क्यों नहीं रहा सो कैमरे की भी अपडेट्स आते हैं एंड वो भी कनेक्ट करेगा ऐसे अपडेट करेगा उसके बाद कनेक्ट करेगा कम बैटरी है सो अभी ये अपग्रेड नहीं हो पाएगा बाद में करते हैं ऐसे तो जो मेन चीज़ें तो आपको बता दी हमने एंड बाकी रहने देते हैं सो आपने कैमरा देख लिया आपने सब कुछ देख लिया अब तो आप वीडियोज़ में देख ही लोगे कैसे क्या क्वालिटी वगैरह सब कुछ है एंड इफ़ यू वॉन्ट टू बाई दिस कैमरा मैं लिंक जो है उसके उसका इंस्टाग्राम पेज का वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप जाके ले सकते हो 22K फॉर द कैमरा एंड वीडियो कैसे लिए आपको जरूर बताना बाकी भी चलते हैं स्टिकर्स लगाते हैं एंड देन विल एंड द वीडियो ओके सो पास में अभी जो है या भंडारा चल रहा है तो उसकी आवाज़ थोड़ा अवॉइड करिएगा एंड यहाँ पे स्पेक बैकर अपनी ड्यूक थी 90 स्टेफी पे GoPro का स्टीकर लगा रहा है बहुत अच्छी जगह लगाया स्टीकर उसने एक बार दिखा देता हूँ इंजन के ऊपर बिल्कुल जहाँ पे रेसिंग KTM लिखा होता है वहाँ पे परफेक्ट फिट आया है कि ऑलरेडी काफ़ी जगह स्टिकर है कि हाँ बिलमोला का है यहाँ पे स्ट्रैक बाइकर का है इधर एक ये है यहाँ पे स्टेफी है आगे मडगार्ड पे दोनों साइड एक एक ये है तो यहाँ पे ये स्टिकर परफेक्ट है एंड एक स्टिकर मैं अभी अपनी बाइक पे लगाता हूँ देखते हैं कहाँ पे लगाएंगे तो इसकी बाइक पे तो हो गया चलते हैं मेरी बाइक पे बाइकर की बाइक पे तो हो चुका मुझे अपनी बाइक पे देखना कहाँ लगाऊं स्टिकर एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कि GoPro के स्टिकर मिलते नहीं है तो ऐसे पार्ट पे लगाएं जो कोई पेंट ना हो जिससे GoPro का स्टिकर ख़राब ना करना पड़े तो स्विंगम पे लगाना चाहिए मेरे ख्याल से हाँ स्विंगम बेस्ट है यहाँ पे भी ठीक रहेगा ये तो पेंट होगा ना बाद में तो दिक्कत होगी तो स्विंगम इज बेस्ट राइट साइड लेफ्ट राइट साइड पे लगाना स्विंगम पे ठीक है सर थोड़ा इधर लेफ्ट हाँ परफेक्ट तो ये एडवाइस ज़रूर याद रखें कि GoPro स्टिकर ऐसी जगह लगाएं अपनी बाइक पे जहाँ पे पेंट न कराना पड़े क्योंकि GoPro के स्टिकर्स नहीं मिलते हैं ओरिजिनल वाले नहीं मिलते वैसे तो मिल जाएंगे आपको बट ओरिजिनल इसकी क्वालिटी अलग क्वालिटी अलग होती है जो GoPro के स्टिकर है ना उनकी ओके सो जैसे आपने देखा हमने सारा कैमरा अनबॉक्स कर लिया कैमरे के फीचर्स देख लिए स्टिकर्स भी लगा लिए तो एंड करते हैं ब्लॉग यहीं पे ही और एक्चुअली कैमरा आज आगे तो मैं बहुत खुश हूँ मैं क्योंकि कल हम कहीं निकलना है तो वो वीडियो आपको मिली जाएगी हम कहाँ जा रहे हैं क्यों जा रहे हैं बट कल तो नहीं मिलेगी दो दिन रुक के मिलेगी बाकी अभी चलते हैं और ये ब्लॉग एंड करते हैं यहीं पे टिल देन बाय टेक केयर राइड सेफ़